नमस्कार दोस्तों, मैं निधि गर्ग एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो गुरु 12 का प्रभाव लेकर। दोस्तों, लाल किताब में आठवें घर को मृत्यु का घर माना गया है, लेकिन कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से अगले भाव के फलों को नष्ट कर देता है। पहला भाव हमारा जन्म, हमारी इच्छाओं का कारक है, और 12वें घर में बैठा हुआ गुरु हमारे जन्म को, हमारी इच्छाओं को नष्ट कर देगा। अब जिसकी इच्छाएं नष्ट हो जाएं उसको तो जीते जी ही मोक्ष मिल जाएगा, इसीलिए कुंडली के 12वें भाव को मोक्ष का घर कहा गया है। 12वां घर गुरु का पक्का घर है और जातक के सोने की जगह है। 12वें घर में गुरु के साथ राहु और बुध का प्रभाव भी होता है। गुरु है विजडम, राहु है ध्यान और बुध है बुद्धि। जब ध्यान, विजडम और बुद्धि तीनों मिल जाते हैं तब ऐसा जातक उत्तम ज्ञानी हो जाता है, लेकिन बुध के खाली आकाश में गुरु की ताजी हवा के साथ साथ राहु का गंदा धुआं भी मिला हुआ है, यानी कि अब ऐसे जातक की सोच में कुछ ना कुछ खराबी होगी। ऐसा जातक 16 से 21 साल की उम्र में दूसरों के समस्याओं में फंसकर अपनी बदनामी कराएगा, लेकिन ऐसे जातक को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 12वें घर में केतु उच्च के प्रभाव के कारण ऐसा जातक त्यागी ब्राह्मण होता है, त्यागी साधु, लेकिन गरीब नहीं। ऐसा जातक झुके हुए पीपल की तरह से भरा हुआ और दूसरों के लिए त्यागी परोपकारी होता है। ऐसा जातक जितना ज़्यादा परोपकार करता रहता है, जितने ज़्यादा लंगर भंडारे लगाता है, उसको उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलता है। ऐसे जातक को धन की कभी कमी नहीं रहती, यहाँ तक कि वो अपने परिवार पर, दूसरों के ऊपर जितना ज़्यादा धन खर्च करता है उसके पास धन उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। ऐसे जातक का श्राप और ऐसे जातक की दुआ दोनों ही लगती हैं, लेकिन यदि वो जातक दूसरों को बददुआएं देता रहेगा तो ऐसे जातक का अपना भाग्य ही नष्ट हो जाएगा, और वो जातक जितना ज़्यादा दूसरों को दुआएं देगा उतना ही ज़्यादा जीवन में ग्रोथ करेगा। ऐसे जातक को हमेशा कोई ना कोई दिव्य शक्ति, कोई ना कोई गैबी ताकत हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है। ऐसे जातक को चाहिए कि कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। अगर वो अपना हाथ किसी के आगे फैलाता है तो उसकी किस्मत उतना ही मंदा असर देगी। 12वां घर जो कि खर्चे का घर भी है, 12वें घर में जो ग्रह बैठा होता है वो अपने हिसाब से ही वैसा ही खर्चा कराता है। क्योंकि गुरु विस्तार का कारक है, इसलिए ऐसे जातक के खर्चे बहुत हाई फाई होते हैं, बहुत शाही होते हैं। लेकिन क्योंकि गुरु एक शांत ग्रह है, एक दिव्य ग्रह है, इसीलिए ऐसे जातक के खर्चे भी अच्छे और शुभ कार्यों पर ही लगते हैं। ऐसे जातक को चाहिए कि अपने गले में मोतियों की माला धारण ना करे, लेकिन होता भी ऐसा है कि ऐसे जातक के घर पर कोई ना कोई आवारा साधु आने लगता है, जो कि जातक को आमतौर पर कोई माला, कोई भभूति दे जाता है, जिसे धारण करने के साथ ही उस व्यक्ति का अपना भाग्य नष्ट होने लगता है। यदि कुंडली में राहु और केतु अच्छे होते हैं तो ऐसे जातक की गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होता है। जातक को चाहिए अपना शनि मंदा ना करे, और यदि गुरु के पक्के घरों में गुरु का कोई शत्रु बैठा है तो उनको उपायों के साथ ठीक कर ले। गुरु 12 के अच्छे प्रभाव लेने के लिए जातक को चाहिए कि कभी किसी के साथ दगा फरेब ना करे, अपने किए हुए वादों को अच्छे से निभाए। क्योंकि दगा फरेब करने से या अपने वादों को ना निभाने से जातक का राहु और बुध हावी होकर उसके गुरु को खराब कर देंगे। जातक को चाहिए कि वो अपने नाक को हमेशा सूखा रखे और अपने गले में कभी भी मोतियों की मनकों की माला ना पहने, केसर का तिलक लगाए, पीपल की सेवा करे, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करे, कभी भी किसी की जमानत ना दे, और गलती से भी कभी भी किसी को बद्दुआ ना दे, क्योंकि बद्दुआ देने से जातक का अपना भाग्य खुद नष्ट हो जाएगा। अगर उसके घर में साउथ ईस्ट में, यानी कि कुंडली के 12वें भाव में राहु है, अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो वो अपने साउथ ईस्ट के टॉयलेट को ट्रीट करके गुरु 12वें घर के अच्छे प्रभाव प्राप्त करे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो आने तक नमस्कार।